हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8। तो आज वो मेरी सिस्टर इन लॉ आई हुई है ना, तो इस वजह से काम थोड़ा लेट हो रहा है। इस वजह से हम पहले नहा लेते हैं, फिर बाद में काम स्टार्ट करते हैं। तो हम नहा लिए हैं, अब हम मैं इस वाले रूम में सोती हूँ, सुबह वाले में शुभी को लेकर। तो इसलिए पहले मैंने ये वाला रूम सही करा था। दीदी ने झाड़ू पोछा कर रही थी, वो तो वो कह रही कि चलो मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, तुम सुंगा लो। तो इसलिए मैं सारा घर सुंगा रही थी, दीदी झाड़ू पोछा कर रही थी, फिर मैंने खाना वगैरह बना लिया था। ऐसे ही करते करते हमारा सारा काम हो गया था। और ये एंजल देखिए, ये पता नहीं कुछ, शायद इसका कुछ खो गया है, ये वही ढूंढ रही है क्योंकि इसकी चीज़ें बहुत खोती हैं। यहाँ मैं कपड़े सुखाने आ गई थी, सुबह सुबह काम इतना हो जाता, कपड़े डेली धुल रहे थे। वैसे तो अब भी धुल रहे हैं क्योंकि यार मेरे घर फ्लैट में धूप नहीं आती ना, तो शुभी की पजामी वगैरह डेली धोनी पड़ती हैं क्योंकि वही है पजामी, टॉयलेट इतने करते हैं बच्चे सर्दियों में, तो उस वजह से मुझे डेली कपड़े धोने ही पड़ते हैं। और यहाँ पे किचन का काम रह गया, तो थोड़ा बहुत बर्तन वगैरह स्लिप वगैरह पोंछनी थी क्योंकि चाय पी थी हमने, तो मैंने कहा चलो इस साथ के साथ ये वाला काम भी कर देते हैं। और शुभी को इस टाइम पे मैंने सुला रखा था, मैंने कहा ये सो जाती है ना तो काम हो जाता है, वरना बहुत परेशान करती है। पहले तो नहीं करती थी इतना परेशान, अब करने लग गई है। और देखिए मैं काम कर रही हूँ ना, काम करते करते ही वो रोने लग गई थी, मैंने कहा यार है यार, फिर वो उठ गई, बस 10 मिनट सोई होगी शायद, फिर उसके बाद ही रोना शुरू मैडम का। यहाँ पे मैंने शुभी उठ गई थी थोड़ा सा उसे बहला के, मैंने फिर एंजल के साथ ही बिठा दिया, उसके साथ खेल रही लग गई थी ये। यहाँ पे फिर हम खा रहे हैं गज्जक, क्योंकि भूख सी लग रही थी, मैंने कहा गज्जक खा लेते हैं फिर खाना बनाएंगे। शुभी भी बहुत खाती है, शुभी इसका गुड़ जो होता है ना वो चूस लेती है। तो दोस्तों हम जा रहे हैं डी मार्ट एंजल को गिफ्ट लेने के लिए, शुभी भी जा रही है, मम्मी जा रही है, दीदी जा रही है, सब जा रहे हैं। जी क्या लेना है आपको, क्या लेने जा रहे हैं? बेबू का खुद वहीं जाकर, बेबू क्या लेगी क्या लेगी बेबू? यह देखिए लड़की देखिए, नहीं ना वो टोपा पहना। जैसे कि आपको पता है हमारे फ्लैट के बराबर में ही है हमारा डी मार्ट, तो इसलिए ज़्यादा हमारे टाइम लगता नहीं। और यार ये गोलगप्पे वाले भैया में दिखते हैं ना, तो हम नहीं रह सकते, हम तो बिल्कुल डी मार्ट गए और हम गोलगप्पे खाए बिना हम नहीं आते, मैं तो बिल्कुल ही नहीं आती यार। अगर हाँ यह कोई मेरे साथ होता है ना, मैं जब खाती हूँ अकेले मेरे को अच्छा सा नहीं लगता बाहर ठेली पे खाने में, और यह गोलगप्पे का मज़ा ना ठेली पे ही बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए अभी 2 टाइम से मैं गई हूँ तो फिर मैं गोलगप्पे ज़रूर ही खाती हूँ। दोस्तों हम डी मार्ट पहुँच गए हैं, अब हम यहाँ पे करेंगे एंट्री। शुभी शुभी को तो बहुत मजे आ रहे हैं। दीदी से बात कर रहे हो शुभी? पर यहाँ पे थोड़ी है बैग, बैग तो आगे होगा ना, स्कूल बैग। स्कूल बैग होंगे ना इधर, ऊपर किसने बोला तुझे? देख देख आराम से एंजी, चलो स्कूल बैग पहले तो इस साइड का ही रखे थे। एंजल आगे भी देख ले बेटा, रुक जा मैं किसी से पूछती हूँ। कौन है देखे तूने? हाँ। किसी के भी मार देगी एंजी। शुभी कहाँ जा रहे हो?
कहाँ? अच्छा हाँ ये रे स्कूल पर देखना अभी एंजल देखने से छोड़ देगी देखो। अरे एंजल मुझे मुझे पता था तू मेरे से लिख के ले ले स्कूल बैग, मेरे को पता था देखते ही ये छोड़ देगी है ना शुभि। देखे कितनी खुश हो रही है शुभि। शुभि आपको कौन सा स्कूल बैग चाहिए? शुभि एंजल कौन सा बैग पसंद आया? कौन सा बैग पसंद आया एंजल? एंजल कौन सा अच्छा लग रहा है? ये नानी ने पसंद किया है। शुभि 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 वहाँ जहाँ पिकनिक या वैसे क्या लेनी थी हमने टेंशन बेबी का पाउडर और क्रीम लेके नहीं होंगे लेके नहीं होंगे रो। तो हम आ गए हैं घर, गोलगप्पे खा के आए हैं, डीमार्ट में शॉपिंग करके आए हैं। दोस्तों हम दोनों जा रहे हैं, दीदी मैं एंजल गप्पू सब जा रहे हैं हम न्यू ईयर पार्टी में नीचे सोसाइटी में, तो हम चलते हैं आपसे वहीं मिलते हैं। चलो एंजल। हाँ ऐसे ही आप मेरे ब्लॉग को प्यार देते रहिए। और देखिए शुभि को क्या हो गया है। पता नहीं सोएगी या नहीं सोएगी क्योंकि सो के आ गई है।
अब मेरे जो मेरे चैनल पे नए आए हो, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे बिना बिल्कुल भी मत जाना दोस्तों। मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू।